गुरु वाहे गुरु करना
जिसते हुआ सोई पर जाने जाओ सी माहे जैसे हर हट की माला टिंड लगत है एक सखनी हो फेर भरियत है उसकी बढ़ियाई तैसोई एह खेल कसम का जो उसकी बढ़ियाई जो किछ करे परदासी
मन विचार देव ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरी कौन उदासी मन विचार देव ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरी Thank you.
है वो तेरी रगा, तेरी रगा, तेरी रगा। मन मेरे सतगुर के पाणे चल, सतगुर के पाणे चल। मन मेरे, मन मेरे सतगुर के निज धर वसे अमृत पीवे, निज धर वसे अमृत पीवे, ता सुख लै मल। सतगुर के निज घर वसे अमृत पीवे, निज घर वसे अमृत पीवे, ता सुख ले महल। सतगुर के पाणे चल, सतगुर के सच पाया कृष्णा तज का, गुणवंती सच पाया गुर शब्दी मन रंगिया, रसना प्रेम पिया गुर शब्दी मन रंग सतगुर किने न पायो, कर वेखो मन विचार। बिन सतगुर किने न पायो, कर वेखो मन विचार। मन मुख में
मनती गुण को नहीं बहन ना मिले औ गुणवंती गुण को शब्द ना जानई अवगण सो प्राप्त मनमुख शब्द ना जानई अवगण गुर शब्दी मन दे दिया कब मिले निज कर्म से अमृत पीवे निज कर्म से अमृत पीवे ता सुख ले आपे रंगण रंगयो शब्द मिला आपे रंगण रंगयो शब्द सच्चा रंग ना करे जो सच रते निकला सच्चा रंग ना करे जो सच रते चारे कुंडा आव तके मनमुख बूझ न पाए चारे कुंडा आव तके मनमुख बूझ न पाए जिस सतगुरु में सच्चे शब्द समाए
मित्र कणे कर थकी मेरा दुख का मित्र कणे कर थकी मेरा दुख का प्रीतम दुख कटया शब्द मिला मिल प्रीतम दुख कटया शब्द कटना सच रास है सच्चे सच्ची सो सच मिले से ना विछड़े नानक को
हर नाम हृदय न चताई संगी साथी सगल कराए हर ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
मैं उस शब्द में दोबारा गावांगा, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना, सुख स्नेह और पह नहीं जाके कंचन माटी मानना। उच्ची अवस्था का शब्द है, सतगुरां का ये पावन वचन है। किसी विरले की अवस्था बन सकती है, जिवें भाई साहब जी रोज आखते हैं कि इस शब्द की जो अवस्था है वह गुरु साहब आप ही जानते हैं, आप ही उन्होंने हंडाई है और सतगुरां के परिवार से ये सारा वचन जो है उन्होंने खुद हंडाया है। मिल के गायन करिए, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना है, सुख स्नेह और पह नहीं जाके कंचन माटी मानना है। मिल के गाइए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख अपमान, आए
ज्योति जूत संपूर्ण संपूर्ण
ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ मिल के इन्हों पंक्तियों एक बार फिर गायन करिए जी। कीर्तन की समाप्ति है, अपा बिना साजा तो संगती इन्हों पंक्तियों का गायन करके समाप्ति करेंगे। ज्योति ज्योत संपूर्ण ज्योति ज्योत संपूर्ण सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल जल का दल हुआ ज्योति ज्योत संपूर्ण ज्योति ज्योत संपूर्ण पिछले तीन दिन ते अज दा चौथा दिन आप जी ने इन्हां गुरमत समागमां दे विच दूरों नेड़ियों आके हाजरियां लगवाईयां। बड़ी भावना दे नाल प्यार नाल साहिब दी बाणी दा कीर्तनियां दे नाल मिल के कीर्तन भी कीता गायन भी कीता। आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद है जी। अगले साल फिर एक दो तीन ते चार भोग संगरांद वाले दिन तो ये गुरमत समागम भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी होर ने जो मैनु हुक्म किया है मैं आप तक सुनेहा पहुँचाता है, ये अपने को नोट कर लेना जी। मिल बैठांगे फिर साहिब दे चरणां दे विच हाजरियां लगवावांगे। अरदास करिए गरीब नवाज पिता जी सारे संसार नूं सुख बख्शिश कर। जो समा बीतिया है सारे संसार ने बहुत वड्डा दुख संताप हंडाया है, फिर मालक दे चरणां च अरदास है गरीब नवाज पिता तेरा मनुख इन्ना समर्थ नहीं होया कि तेरे हर हुक्म नूं मन सके, हुक्म मनन की भी जात सिखा ते सुख वरता नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। मैं पिछले तीन साल आप संगत की सेवा के दर्शन नहीं मैं कर सकिया, सेवा विच हाजरी नहीं लगवा सकिया। आप जी नूं करीबन करीबन मेरी अवस्था का पता लग गया मैं किस समय चों गुजरिया हाँ, और मैं आप संगतां दे प्यार दा ऋणी हाँ। जिहड़े मेरे हालात सन मैनू इंज लगदा सी कि मैं वापस नहीं जावांगा हस्पताल तों, पर आप संगत ने जिथे भी नानक नाम लेवा सिख बैठा है देश विच विदेश विच मेरे वास्ते अरदासां कीतियां, मैनू बहुत प्यार दिता। मैं तुहाडा सारिआं दा कर्ज़दार हाँ जी, और मेरे लिए अरदास करिओ मैं तुहाडा कर्जा उतार सकां, रहिंदे सवसां तक आप संगत दी सेवा च हाजिर रहा। अगला प्रोग्राम भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी जो मेरे मित्र हैं जी, और कई बार मित्रां दी
दोस्तों की आपां खुशामद भी कर जांदे हां। हकीकतों कई बार असी अगे पिछे गल कर जांदे हां, पर मैं खिमा करना, मैं अपने वीर नूं बहुत नेड़े तो जानता। वह जो आप जी नूं कहिंदे हन, सुणाउंदे हन, वो हर वेले यतन करते रहते हैं कि मैं उसनों कमाव भी तो और कमाते भी हैं। और सची मुची सानू अजिहे ही प्रचारकों की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि कोई प्रचारक माड़े हैं, सारे बड़े चंगे हैं, मेरे नाल तो सारे ही चंगे हैं, पर भाई साहब हरी कुछ अलग जी कोशिश करते हैं कि कहने तो पहला मैं उसनों कमाउण की भी कोशिश करा। मेरे वीर ते सतगुरु की मेहर है, बड़ी बख्शिश है, सतगुरां ने उन्हां नूं एक ढंग दिता है जो अखर बोलते हैं उन्हां दे विच्चों तस्वीर नज़र आती है। दृश्य वर्णन करना किसी किसी के हिस्से आया है। सतगुरु बख्शिश करे, आप संगत अरदास करियो, भाई साहब उन्हां नूं तंदुरुस्ती की दात बख्शिश करन, चढ़दी कला इसे तरह कौम देश की सेवा करते रहन। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और जो स्थानक सेवादार हैं, ग्रंथी साहबान हैं, मैं सारिआं दा अपने वालों भाई साहब होरां वालों साढ़े जिन्ने भी सेवादार हैं, मेरे वीर भाई परमजीत सिंह जी खालसा, सारिआं वालों मैं धन्नवाद करदा हाँ जी, जिन्हां ने बहुत पिछले समय तो भी सहयोग दे रहे हैं, अज भी दिता है, तो आने वाले समय में भी उन्हां तों भरपूर सहयोग दी, क्योंकि उन्हां दे सहयोग तों बिना आपां कुछ भी नहीं कर सकते ना जी। वड्डियां संस्थावां दे काम भी वड्डे हुंदे हन, एडे वड्डे समागम रचण वास्ते वड्डियां संस्थावां दी जरूरत है। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्नवाद, आप सब संगतां दा हिरदे दीआं गहराइयां तों धन्नवाद है जो सतगुरां नूं भावना रख के अपने रुझेवियां विचों समां कढ के आण के समर्पित हुंदे हो। और जिवें कि पिछले समय च आपां अरदास कीती सी, संगतां ने अज फिर सहज पाठ की आरंभता होएगी, पिछले साल जो सहज पाठ आरंभ होया सी उसकी अज समाप्ति होएगी। भाई साहब जी पहला कथा करनगे जी, अखीर दे विच नौवें महले के श्लोक कहिंदी है ना जी, नौवें महले के श्लोक पढ़े जाणगे जी, फिर उस तों बाद अरदास होएगी, क्योंकि अज का ये आखिरी दीवान है। आपने मिलजुल के सतगुरां के चरणों में सतगुरां के साहिबजादियां के माता जी के चरणों के अरदासां करके जानियां हन जी। फुल चुक दी खिमा, वाहिगुरु जी।